नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, करियर क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपने पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति और उसी से संबंधित एक टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिया था, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र की सहायता से क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं और उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपने किए थे। आगे उसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है कि क्या बिंदु 1.5, 2.3 और -2, -11 सहरेखीय है। सहरेखीय का मतलब ये तीनों बिंदु क्या एक ही रेखा पर स्थित है। देखिए, इसके लिए दो तीन कंसेप्ट आपके पास, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे, 11th क्लास में जाओगे तो इस चीज़ को समझोगे। तीन बिंदु मैंने मान लिया ए, बी और सी है। देखिए, इसको करने के दो तीन कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है कि तीनों बिंदु सहरेखीय होंगे, मतलब एक ही रेखा पर, एक ही लाइन पर होगी, और एक ही लाइन पर होंगे तो तीनों से बनने वाला जो त्रिभुज होगा, तीन बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा और बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा वो शून्य। तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये है कि यहां पर देखिए, ए और बी एक लाइन है और बी और सी भी है, तो ए और बी का जो ढाल है, ए और बी का ढाल यानी ए बी का ढाल, वो बराबर होना चाहिए बी सी का ढाल। अगर ये दोनों का ढाल बराबर है तो वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे। तीसरा कंसेप्ट जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, आप दूरी निकालना ए बी और बी सी, दोनों का टोटल अगर ए सी दूरी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही रेखा पर है, ये सहरेखीय बिंदु है। ए बी और बी सी दूरी का टोटल अगर ए सी दूरी के बराबर आ रहा है, यानी किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी पहले और अंतिम बिंदु की दूरी के बराबर आ रही है, तो बिंदु सहरेखीय है। मान लेना सर्वप्रथम, माना बिंदु ए 1.5, बी है वो 2.3 और सी है वो -2, -11। दूरी सूत्र की सहायता से सबसे पहले दूरी ए बी ज्ञात करनी है। दूरी ए बी, दूरी सूत्र रूट में x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 - x1 करोगे तो 2 - 1 स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 करोगे तो 3 - 5 का स्क्वायर। तो ए बी दूरी रूट में 2 - 1, 1 बचेगा और 1 का कर देना स्क्वायर। 3 - 5 करोगे तो -2 का करना है स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 1 प्लस में, यानी ए बी बराबर आ जाएगा रूट में 5 इकाई। इसी प्रकार आप दूरी सूत्र की सहायता से दूरी बी सी ज्ञात कर लोगे। दूरी बी सी ज्ञात करोगे, दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, -2 x2 - x1 यानी -2 और इसमें से घटाना है 2 को, -2 - 2 और इसका कर देना स्क्वायर और प्लस में -11 और इसी में से 3 को घटाकर उसका कर देना है स्क्वायर। देखिए, -2 और -2 -4 और -4 का क्या करना है स्क्वायर, कर दीजिए 11 और 3 -14 हो जाएंगे और -14 कर देना है स्क्वायर। अब देखिए बी सी दूरी कितनी आएगी, रूट में 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और 14 का स्क्वायर करोगे तो 196। 196 और 16 जोड़ोगे तो 212। तो बी सी बराबर आ जाएगा रूट में 212 इकाई। इसी प्रकार तीसरी दूरी सी और ए के बीच की दूरी, दूरी सी ए रूट में क्या हो जाएगा, -2 - 1 का स्क्वायर और -11 इसमें से क्या घटा देना है 5, -11 - 5 का स्क्वायर। तो सी ए दूरी आ जाएगी रूट में -2 और -1 - -3, -3 का क्या कर देना है स्क्वायर और 11 और 5 16 -16 का कर देना है स्क्वायर। तो सी ए आएगी रूट में 3 का स्क्वायर 9
और 16 का स्क्वायर करोगे तो 256, 256 और 9 तो सी ए दूरी आएगी रूट में 265 इकाई, रूट में 265 इकाई। ए बी दूरी आई है वो रूट 5, बी सी दूरी आई है रूट में 212 और जो सी ए दूरी आई है वो रूट में 265। ए बी और बी सी यानी किन्हीं भी दो दूरियों का अगर जोड़ रहे हो तो वो तीसरी दूरी के बराबर नहीं आ रही है। क्या लिख सकते हो? ए बी प्लस में बी सी नॉट इक्वल टू सी ए दूरी। तो ये तीनों बिंदु, ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। तो दूरी सूत्र की सहायता से आप किन्हीं भी तीन बिंदुओं को संरेख है या नहीं ये चीज़ आप बता सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपने पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र दो होते हैं, एक अंतः विभाजन का सूत्र होता है और दूसरा होता है बाह्य विभाजन का, अंतः विभाजन और दूसरा है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। देखिए अंतः विभाजन को समझते हैं। जैसे किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जैसे ए और बी, ए और बी इनको मिलाने वाली रेखाखंड को अगर कोई बिंदु पी अंतः विभाजित करे, पी के निर्देशांक एक्स कोमा वाई और ए के एक्स वन और वाई वन और बी के निर्देशांक एक्स टू और वाई टू, अगर बिंदु पी इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को अंतः विभाजन करे और विभाजन का जो अनुपात है वो रहे एम वन और एम टू, तो इस बिंदु पी के जो निर्देशांक है वो कैसे लिखे जाएंगे? देखिए तो जो एक्स निर्देशांक होगा पी का, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक है वो लिखा जाएगा एम वन, एम वन एक्स टू प्लस में एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस में एम टू। इसी प्रकार पी का जो वाई निर्देशांक है, वाई निर्देशांक वो लिखा जाएगा एम वन वाई टू प्लस में एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस में एम टू, एम वन प्लस में एम टू। यानी पी के निर्देशांक किस प्रकार से लिख सकते हैं? पी के निर्देशांक पहले एक्स निर्देशांक लिख दीजिए एम वन एक्स टू प्लस में एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस में एम टू, और इसी प्रकार वाई निर्देशांक एम वन वाई टू प्लस में एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस में एम टू। ठीक, अब आगे देखिए बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन के लिए क्या होगा? जो बिंदु P होगा वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड से बाहर होगा, बिंदु A और बिंदु B X2 Y2 और ये X1 Y1। अब जो बिंदु P होगा वो बाहर होगा, मतलब यहाँ होगा कहीं, P के निर्देशांक X1 X, Y X, Y। अगर ये बिंदु इसको M1 अनुपात M2 में बाह्य विभाजित करे तो बाह्य विभाजन के लिए x निर्देशांक कैसे लिखा जाता है? x निर्देशांक m1 x2 माइनस का निशान आता है, यहाँ देखिए प्लस का निशान, टोटल प्लस चलेगा और उधर माइनस चलेगा, m1 x2 माइनस में m2 x1 अपॉन m1 माइनस में m2, y निर्देशांक एम वन वाई टू माइनस में एम टू वाई वन अपॉन एम वन माइनस में एम टू। अगर पी के निर्देशांक लिखने हो तो पी के निर्देशांक वो लिखे जाएंगे एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन माइनस एम टू, और वाई निर्देशांक लिखना हो तो एम वन वाई टू माइनस में एम टू वाई वन अपॉन एम वन माइनस में एम टू।
देखो इनको याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप M1 का मल्टीप्लाई X2 से करेंगे और M2 का मल्टीप्लाई X1 से करेंगे। M1 X2 बीच में प्लस का निशान, अगर कौन सा विभाजन है अंतः विभाजन, अगर बाह्य विभाजन है तो बीच में माइनस का निशान। ज़्यादातर अंतः विभाजन का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन इसी पर आधारित होते हैं। वाई निर्देशांक लिखना है तो भी M1 पहले Y2 लिखा जाता है, प्लस का निशान फिर M2 के साथ Y1 लिखा जाता है और अपॉन में M1 प्लस में M2 रखा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, यदि विभाजन K अनुपात एक में हो, K अनुपात एक में यानी M1 की जगह K और M2 की जगह आ गया एक, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनमें कैसे करेंगे देखना। x निर्देशांक लिखने के लिए क्या करेंगे, M1 की जगह K हो जाएगा तो K X2, और M2 की जगह एक होगा तो एक का मल्टीप्लाई X1 से होगा तो X1 अपॉन में K प्लस वन। और इसी प्रकार अगर Y निर्देशांक लिखना है तो Y निर्देशांक K Y2 प्लस में Y1 अपॉन में K प्लस वन, और P के निर्देशांक लिखना हो तो P के निर्देशांक ये बन जाएंगे K X2 प्लस में X1 अपॉन में K प्लस वन, और Y निर्देशांक हो जाएगा K Y2 प्लस में Y1 अपॉन में K प्लस वन। आगे है मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य बिंदु का मतलब बीच में, बिल्कुल बिल्कुल बीच में है पॉइंट P, बिंदु P है जो बिल्कुल बीच में, और बिल्कुल बीच में इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ओर जो रेखाएँ दोनों ओर जो हिस्से होंगे वो बराबर होंगे, और बराबर हिस्से हैं तो इनका अनुपात भी बराबर होगा, तो ये अनुपात है वो एक अनुपात एक हो जाएगा। बस इतना याद रखना, इसमें अनुपात एक M1 का मान भी एक हो जाएगा और M2 का मान भी एक हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखोगे देखना, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखते समय एक्स वन y1 और b के है x2 y2 और p है xy। p अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखते समय x1 प्लस में x2 बट्टा में 2, और y निर्देशांक अगर आपको लिखना है तो y1 प्लस में y2 और बट्टा में 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार लिखे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें मध्य बिंदु का कंसेप्ट यूज होगा, और ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें के अनुपात एक, यानी अगर अनुपात ना दिया हो और आपसे अगर अनुपात पूछे तो आपको यही मानना होता है के अनुपात एक, के अनुपात एक मान के करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, के की वैल्यू आएगी जिससे अनुपात का पता चल जाएगा। अनुपात ना दिया हो तो के अनुपात एक माना जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन करेंगे इस पर। क्वेश्चन आपके सामने है, 7.2 का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि दो बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, -1.7 और 4.-3। इन बिंदुओं को कोई एक ऐसा बिंदु है जो 2:3 में अंतर विभाजित करता है, तो आप उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अगर ये अंतर विभाजित करता है तो आपको अंतर विभाजन का सूत्र पता होना चाहिए। अंतर विभाजन के सूत्र के लिए क्या करते हो, एक्स का मान निकालने के लिए एम वन एक्स टू प्लस में एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू, और वाई का मान निकालने के लिए एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस में एम टू। तो सबसे पहले किन किन की जरूरत पड़ती है वो डाटा आप यहाँ पर लिख लीजिए। एक्स वन का मान मिल रहा है, एक्स वन का मान कितना है -1, एक्स टू का कितना है 4, वाई वन की वैल्यू 7 है और वाई टू की वैल्यू -3 है। इसी प्रकार M1 की वैल्यू 2 है और M2 की वैल्यू है वो है 3। ये अगर डाटा आपके पास है तो आप आसानी से निर्देशांक लिख सकते हैं। तो X निर्देशांक कैसे लिखा जाएगा, X निर्देशांक M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस में M2। तो M1 कितना है 2, X2 4 है तो 2×4 प्लस का निशान, M2 कितना है 3 और X1 कितना है -1, तो 3×-1
और अपॉन में एम वन प्लस एम टू यानी दो प्लस में तीन, दो प्लस तीन। तो एक्स देखिए, दो इंटू चार कितना हो जाएगा, आठ, और तीन का मल्टीप्लाई माइनस एक से करेंगे तो माइनस तीन, और बट्टा तीन और दो पाँच, आठ में से तीन गया पाँच, पाँच बट्टा पाँच कितना आएगा, एक्स का मान कितना मिल गया, एक। इसी प्रकार अगर वाई निर्देशांक निकालना हो तो वाई निर्देशांक फॉर्मूला लिखो, पहले एम वन वाई टू प्लस में एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस में एम टू। एम वन की वैल्यू दो है ये देख, और वाई टू है यहाँ पर माइनस तीन, तो दो इंटू माइनस तीन प्लस में एम टू की वैल्यू है तीन, और इंटू वाई वन की वैल्यू है सात अपॉन एम वन प्लस एम टू यानी दो प्लस में तीन। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तीन का दो से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का छः, और सात का तीन से मल्टीप्लाई हुआ तो इक्कीस, तीन और दो पाँच, माइनस का छः और प्लस का इक्कीस तो बचेगा प्लस का पंद्रह, और पंद्रह बटा पाँच करोगे तो आ जाएगा तीन, यानी वाई निर्देशांक वाई कितना मिला आपको, तीन मिला। एक्स का मान एक है और वाई का तीन है, तो आता है बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, एक कोमा तीन हो जाएंगे, एक कोमा तीन। तो दोबारा देख लीजिए, इसको काफ़ी आसान प्रश्न है, दिया हुआ क्या है, दो बिंदु दिए हुए और उन दोनों बिंदुओं को दो अनुपात तीन में, दो अनुपात तीन में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। सबसे आसान क्वेश्चन यही है, निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा लीजिए। निर्देशांक ज्ञात करने के फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए, जैसे M1 कहाँ मिलेगा, M1 जो पहले अनुपात लिखा होता है वो M1 होता है, M2 जो बाद में अनुपात लिखा होता है वो M2 होता है, X2 कहाँ होता है, दूसरे वाले निर्देशांक, और X1 कहाँ होता है, पहले वाले बिंदु के निर्देशांक। इसी प्रकार Y1 और Y2 भी पता होना चाहिए, Y1 पहले जो बिंदु लिखा होता है उसके निर्देशांक, और Y2 होता है जो बाद में निर्देशांक लिखा होता है उसके निर्देशांक, जो बाद में बिंदु होता है उसके निर्देशांक। तो अगर ये डाटा आपके पास है और फॉर्मूले में अगर आपको मान रखना आता है तो सबसे आसान क्वेश्चन है, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.2 का दूसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ क्या, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बिंदु चार कोमा माइनस एक और दूसरा बिंदु है माइनस दो कोमा माइनस तीन, जिसको अपने बी मान लिया, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित, लिखा हुआ क्या है, समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब हो गया समान तीन भागों में, समान तीन भागों में, तीन भागों का मतलब ये जो रेखाखंड है इसके आप तीन हिस्से कर रहे हो, और वो भी कैसे, समान मतलब बराबर भागों में बांट रहे हो। तो मान लो इसकी लेंथ है वो पूरे की तीन मीटर है, तो तीन भाग कितने होंगे, एक मीटर, एक मीटर और एक मीटर। तो अपने इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये हिस्सा एक होगा, ये भी एक और ये भी एक। यहाँ देखिए दो बिंदु आएंगे, तीन पार्टों में डिवाइड करोगे तो कितने बिंदु होंगे, दो ही बिंदु होंगे जो इसको तीन पार्टों में डिवाइड करेंगे। अगर इसको चार पार्टों में डिवाइड करते तो तीन बिंदु होते, पांच पार्टों में डिवाइड करते तो चार बिंदु होते। देखिए यहाँ देखिए दो बिंदु मिलेंगे, एक P और दूसरा Q। यहाँ M1 और M2 का पता लगाना है, कैसे लगाएंगे, जैसे मैं इसका दोबारा रफली डायग्राम बनाता हूँ, A यहाँ है, B यहाँ है और P बिंदु यहाँ, इधर हिस्सा देखिए कितना है, एक, और P से लेकर B तक हिस्सा कितना है, एक और एक कितना हो गया, दो। तो इसको यहाँ लिख सकता हूँ दो, तो मतलब ये अनुपात कितने का हो गया, एक अनुपात दो का। A बिंदु कितना है, चार कोमा माइनस एक, बी बिंदु है माइनस दो कोमा माइनस तीन, और ये अनुपात कितना हो गया, एक अनुपात दो, और P के निर्देशांक मैंने मान लिए कितने, x कोमा वाई। तो x निर्देशांक निकाल लेंगे और y निर्देशांक, अंतः विभाजन के सूत्र से M1 और M2 की वैल्यू कितनी है, एक और दो है। तो देखिए x निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x निर्देशांक होगा M1 x2 प्लस में M2 x1 अपॉन में M1 प्लस में M2। M1 कितना है, एक, x2 की वैल्यू माइनस दो, तो एक इंटू माइनस का दो, और प्लस में M2 कितना है, दो, और x1 कितना है, चार,
और बट्टा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस में 2, x निर्देशांक कितना निकलेगा, माइनस का 2 इंटू 1 होगा तो माइनस 2, और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बट्टा में 3, माइनस का 2 और प्लस का 8 यानी प्लस का 6 बचेगा और प्लस का 6 बटा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान 6 बटा 3 करते हैं तो कितना होता है 2। इसी प्रकार y निर्देशांक निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन m1 प्लस में m2, m1 कितना है 1 और y2 कितना है माइनस का 3 प्लस में m2 2 और y1 कितना है माइनस का 1 बटा में m1 प्लस m2 करोगे तो 1 प्लस में 2, तो y की वैल्यू माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 और 2 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 और बटा कितना होगा 2 और 1 3, माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 बटा 3, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस 5 बटा 3। क्या लिख सकते हो x, x कितना मिला 2 और y माइनस 5 बटा 3, यानी किसके निर्देशांक मिल गए आपको, x और y किसके माने थे p के, तो p के निर्देशांक, p के निर्देशांक 2 कोमा माइनस 5 बटे 3 होंगे। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, Q बिंदु के निर्देशांक निकालने। अब देखिए Q बिंदु कहाँ होगा, थोड़ा सा रफली डायग्राम इसका मैं बना लेता हूँ। A बिंदु है यहाँ और B है यहाँ, माइनस 2 कोमा माइनस 3, और A है 4 कोमा माइनस 1, और Q बिंदु है यहाँ जिसके निर्देशांक मैंने माने x डैश कोमा y डैश। अब देखिए Q बिंदु यहाँ है तो Q से B की जो दूरी है वो तो 1 है। अब Q और A के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 और 1 2, तो ये जो अनुपात है m1 और m2 ये हो जाएंगे 2:1। बस इतना ही ध्यान रखना है, x निर्देशांक x डैश आपने माने तो x डैश कैसे निकलेगा, m1 x2, m1 कितना है 2, x2 कितना है माइनस का 2, प्लस में m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4 और बटा में 2 प्लस में 1, तो x डैश निकल जाएगा 2, माइनस 2 का गुणा 2 से करोगे तो माइनस का 4 और 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो प्लस का 4 और बट्टा में 2 प्लस 1 3, माइनस का 4 और प्लस का 4 कितना बन गया 0, तो x डैश बन जाएगा 0। इसी प्रकार y डैश, m1 कितना है 2 और y2 कितना है माइनस का 3, प्लस का निशान m2 कितना है 1 और y1 है माइनस का 1 अपॉन में m1 प्लस m2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में 1, तो y डैश माइनस का कितना हो गया 6 और माइनस का 1 बट्टा 2 प्लस 1 3, तो y डैश हो गया माइनस का 6 और 1 माइनस का 7 बटा 3। x डैश 0 था, y डैश माइनस 7 बटा 3, तो लिख दोगे अतः बिंदु Q के निर्देशांक, अतः बिंदु Q के निर्देशांक 0 कोमा माइनस 7 बटे 3 होंगे। ठीक है, तो दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ क्वेश्चन था दो बिंदु दिए हुए थे ए और बी, और इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछे थे, और समत्रिभाजित का पूछे तो कितने बिंदु होंगे, दो बिंदु, तो दो बिंदु P और Q जिनके निर्देशांक x कोमा y और x डैश कोमा y डैश आपने मान लिए। अब देखिए तीन भागों में, समान तीन भागों में बांट रहा है, तो मैंने मान ली कि ये एक एक मीटर लंबाई है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है एक एक मीटर है, तो ये एक मीटर, ये भी एक मीटर और ये भी एक मीटर, तो P पॉइंट है वो A से कितनी दूर है एक, और P पॉइंट है वो B से कितने मीटर दूर है दो मीटर, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। इजी है, यही तरीका है इजी करने का। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए Q बिंदु होगा वो A से कितना दूर हो जाएगा 2 मीटर, और B से कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो इजी हो जाएगा, m1 और m2 के मान मिल जाएंगे, और इसकी सहायता से x और y और इधर x डैश और y डैश का मान है निकाल सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।